तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए कौन कमाल के पबजी मोबाइल वीडियो टिप्स एंड ट्रिक के साथ वापस। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप एयर हाउस में मतलब टीडीएम में किस तरह से नेडिंग कर सकते हो परफेक्ट, जिससे कि आपका बंदा मर जाए। तो पहले हम इंट्रो देखते हैं, तो ये मोन्टाज पहले देख लो आप। तो पॉइंट नंबर वन की बात करते हैं हम। तो अगर आप जैसे मैच स्टार्ट होता है तो आप यहां से जाते हो और ग्रेनेड कहीं भी फेंक देते हो इधर उधर, तो आपको ये जो डब्बा सा दिख रहा है उसमें जाना है और आपको जाके एकदम करेक्ट वहां पे फेंकना है। तो देखो वहां पे जितने भी बंदे होंगे वहां पे मर जाएंगे सारे के सारे। और मैं बता दूं कि कहां पे बंदे होंगे, तो बंदे यहां पे होंगे जैसा कि आप देख रहे हो। और मैं बता दूं कि आपको फेंकना कहां से, मतलब नेट कुक कहां से करना है। तो आपको ये जो ये डब्बा सा दिख रहा है हाउस जैसा, तो यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से कुक करके आगे जा फेंक देना, तो जिससे कि वहाँ पे जितने बंदे होंगे तो आराम से मारे जाएंगे। और इसमें कभी कभी आप अकेले भी हो जाते हो तो यहाँ से ये ग्रेनेड आराम से कर सकते हो, जिससे कि आप एनिमी को ईजिली मार सको। तो चलते हैं हम पॉइंट नंबर टू पे। तो पॉइंट नंबर टू पे जैसे कि आप कभी अकेले या तो 1v2 मतलब आप खेल रहे हो, तो आपको बाहर निकलने नहीं देते आपके घर से। तो आपको हल्का सा यहाँ पर पिक करना और यहाँ से ग्रेनेड करना है। और वहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि बंदे यहाँ पे छिप के बैठते हैं, तो आप वहाँ से यहाँ पे बम फेंकना, जिससे इजीली बंदे मर जाएंगे। तो मैं मार्क करके बता देता हूँ और जहाँ पे बंदे होंगे वहाँ पे भी। तो आप सब ग्रेनेड का यूज किया करो, क्योंकि ग्रेनेड से गन से मारने से बढ़िया ग्रेनेड होता है। तो पॉइंट नंबर थ्री पर चलते हैं हम। और पॉइंट नंबर थ्री पर अगर उस साइड आपके राइट साइड बंदा हो तो आप वहाँ से नहीं फेंक सकते, तो यहाँ पर आगे फेंकना। तो फिलहाल तो मेरा ज़्यादा कुक हो गया था नेट, तो पहले हम इनको गन से मार देते हैं। तो के फिर मैं दूसरी बार आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से अगर फेंकोगे तो वो देखो वो फायर कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा कवर में रहोगे जिससे की वजह से उनको आप दिखोगे नहीं, आपको आपका हेल्थ भी बहुत कम जाएगा। तो ईजिली यहाँ पर आप लोग आराम से मार सकते हो। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको कहाँ से मारना फेंकना है नेट, तो वहाँ से आपको नेट फेंकना है। तो फिलहाल एनिमी आ गए थे तो हम इसको मार देते हैं। अब मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर थ्री की ओर। तो पॉइंट नंबर थ्री में पॉइंट नंबर फोर है। तो पॉइंट नंबर फोर में अगर देखो, अगर वहाँ से आप नहीं फेंक पा रहे हो तो यहाँ से आके तुरंत फेंको और कुक नेट फेंकना, जिसके वजह से उनको भागने का भी मौका ना मिले। तो कितना इजी है कि आप ग्रेनेड करना सीख सकते हो यहाँ पे, और ट्रेनिंग में भी जाके सीख सकते हो। आपकी इस बार तो ट्रेनिंग में भी नेट का जो होता है नेट सीखने वाला, वो भी डाल दिया गया है, तो ईजिली आप वहाँ पर सीख सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपने, पहले ये मैच देख लो, पहले ये जो यहाँ पे जो मैं मार रहा हूँ कैसे मार रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे बार बार बगल में पिक इसलिए कर रहा था कि क्योंकि उनका बुलेट मेरे हेड पे ना लगे, और इसी तरह से मैं अपने हेड को बचा रहा था जिससे मैं उनको आराम से मार सकूँ। तो जैसे कि देखो आपको ऐसा मतलब ऐसा खेलने के लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को छोड़ के हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ कि आपको ग्रेनेड कहाँ से करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, बार बार मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ वो बंदे कैंप करके वहीं पे बैठे हुए हैं तो हिल नहीं रहे। तो आपको ईजिली यहाँ पर आना है और यहाँ से नेट फेंकना, और बूम गाइस वहाँ पर जितने बंदे होंगे फट जाएंगे। तो फिलहाल एक बंदा आगे था और एक बंदा पीछे, तो पीछे वाला तो मर गया। तो अब देखते हैं आगे वाला, देखो आगे वाला भी पीछे चला गया है। तो इस तरह से आप ग्रेनेड करना आराम से सीख सकते हो, और
मैच को हर बार विन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।